हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं सुबह में सारा काम फिनिश करके फटाफट नहा ली थी और नहाने के बाद आ गई थी मैं तैयार होने। तैयार क्यों हो रही हूँ मैं बताऊँगी आगे चल के। तो अभी मैं ना नया ड्रेस पहनी हूँ, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइएगा। ये ड्रेस है वन पीस वाला, बट मैंने इसको एज ए फ्रॉक पहना है। मुझे फ्रॉक बहुत अच्छा लगता है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है ना, तो जब मैं फ्रॉक टाइप का कोई ड्रेस पहनती हूँ तो थोड़ा गोला मोला सी लगती हूँ। तो इसके नाते मैंने इसको परचेज किया था, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में था। तो ये ब्लॉग है ना, कल जब मैंने ब्लॉग एंड किया था उसके बाद का ही, नहाने के बाद मैंने जस्ट स्टार्ट किया था इसको। तो 11:30 के टाइम ये हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो मैं बात भी कर रही हूँ। तो यहाँ ना मम्मी का कॉल आया था, तो मम्मी का कॉल ऑडियो था, तो ऑडियो प्ले मतलब ऑडियो बात कर रही थी और वीडियो प्ले था। तो वीडियो चालू था, तो वीडियो में अपना रिकॉर्ड भी हो रहा था और मैं मम्मी से बात भी कर रही थी। मम्मी क्या कुछ तो बोल रही थी कि इसे साड़ी में फॉल लगाना है कि क्या करना है। नहीं, मम्मी बोल रही थी कि गेहूँ फटक के और पिसवा देना, पापा जाएंगे तो गेहूँ आटा नहीं है तो लेके आएंगे, गेहूँ साफ़ सुथरा करके पिसवा दोगी। तो वही मैं बात कर रही थी और कुछ भी घर का जो कुछ बात था, कुछ बात मम्मी से पता ही है, बात होता है तो लंबे टाइम तक बात होते रह जाता है। तो मम्मी वही बोल रही थी और मैं बात कर रही थी। यहाँ पे मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, मैंने लगाया है बस थोड़ा सा, पहले तो नहाने के बाद मैंने तुरंत ही लगा लिया था एलोवेरा जेल, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर मतलब लूज पाउडर से बेस ऐसे ही सेट कर लिया है। थोड़ा सा स्वेटिंग हुआ था तो उसके बाद से आईलाइनर लगा रही हूँ, लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, आईब्रोज थोड़े फिल कर लिए क्योंकि अभी मेरे आईब्रोज मैं खुद ही बनाती हूँ तो थोड़ा बाल इधर उधर से भी निकल जाता है, तो मैं उसको फिल इन कर ली। एंड इसके बाद से मैं अभी मम्मी से बातें कर रही थी, कम से कम 14-15 मिनट की एक क्लिप है और मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है तो 1-2 मिनट की हो गई है, बट उतना टाइम मैंने मम्मी से बात किया। फिर लास्ट में मुझे रखना ही पड़ा क्योंकि मम्मी से मैंने बोला कि अब मुझे वीडियो शूट करने आप रखो। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया था, फिर स्वेटिंग हो रही थी, थोड़ा सा मैंने टैप टैप किया इससे और उसके बाद से इयररिंग देखती हूँ कौन सा पहनना है, तो इयररिंग पहन लूँगी उसके बाद रील वीडियो बनाऊँगी। तो रील वीडियो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी एंड पॉपअप दे दूँगी यहाँ पे। फैमिली, जब से मैं तैयार हो रही थी ना तब से मैं मम्मी से बात कर रही थी। इसमें ये मेरा जो नया फ़ोन है ना, इसमें ये अच्छा है कि किसी का फ़ोन भी आता है तो बैक करके बात भी हो जाता है, अपना कैमरा भी चालू रहता है। जब पुराना वाला जो मेरा फ़ोन था ना उसमें बात नहीं हो पाता था, सिर्फ वो मतलब कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड ही कर सकते थे और बात कर रहे थे बात ही कर सकते थे। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी रील शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद खाना वाना खाऊंगी। खाना बन गया है और दादी बाबा चले गए हैं लोग देवरियाँ, इसमें पेंच नहीं लगा, दादी बाबा चले गए हैं लोग देवरियाँ और बड़े वाले भाई सब खाना खा लिए हैं, आराम कर रहे हैं। और मैं अभी नहा के रेडी हो गई हूँ, ये मैंने नया फ्रॉक लिया था तो मैंने अभी पहना है। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा ना 1-2 रील बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके फैमिली, तो अभी रील शूट करके मैंने इयररिंग निकाल दिया है और अभी मैं झुमकी पहन के आ गई हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है और अभी 1:05 हो रहे हैं दोपहर में, दादी बाबा भी नहीं आए हैं तो अभी मैं खाना खाऊंगी। और ये ड्रेस कैसा लग रहा है मेरे पे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नया कपड़ा पहन के जैसा फीलिंग आता है ना हैप्पी वाला, वैसा फीलिंग आ रहा है। और ये जनाब ने खाना खा के और सो भी लिया, आधा घंटा पौन घंटा सो भी लिए। अभी मैं चल रही हूँ खाना खाने और आज मैंने बनाया है दाल चावल सब्जी करेले की और रोटी। तो रोटी मैंने 2 पराठे सुबह में खा लिए थे तो रोटी नहीं खाऊंगी, दाल चावल सब्जी खाऊंगी। हेयर वॉश करके नहाई थी तो अभी बाल थोड़ा सूखा भी नहीं है क्योंकि रील्स बनाने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा था। 11 बजे लाइट भग गया, 11 बजे मैं काम से फ्री हुई तो गर्मी में रील्स बनाई हूँ। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग देखिए, खाना खाते हैं फिर उसके बाद से मिलते हैं। खाना लेके आ गई हूँ, बाहर आ रहा है बारिश और अंदर खा रही हूँ खाना, अभी भूख लग गया है बहुत तेज़ से। और बोली कि खाना खाने जाती हूँ तो फिर से बारिश आने लगा, तो सारे कपड़े बाहर से उतार के मैंने अंदर डाल दिए, बारिश बहुत अच्छा वाला आ रहा है। और यहाँ पे ली हूँ मैं दाल चावल करेली का सब्जी, फटाफट से खा लेती हूँ। फिर से शाम हुई, शाम होने के बाद मैंने चाय बनाया था, थोड़ा सा कड़क वाला चाय बनाया था, अच्छा सा एकदम टेस्टी गाढ़ा वाला चाय। मुझे गाढ़ा वाला ही चाय पसंद है, बहुत पतला सा चाय नहीं अच्छा लगता है। वैसे तो चाय बहुत कम पीती हूँ बट जब भी पीती हूँ गाढ़ा वाला ही बनाती हूँ। इसके बाद से ना कुछ पोटैटो बॉयल करके रखे हुए थे मैंने, तो उसको भाई ने बोला कि टिक्की वाला बना दो, फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले और क्या डाला था, मिर्चा बस डाला था, नमक और थोड़े से मसाले डाल के
और यहाँ पे बेसन का बैटर बनाया था, इसमें डाल दिया था ग्रीन चिली पीस के और कुछ मसाले, थोड़ा सा चावल का आटा। और इस टिक्की को बनाने के लिए मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है तेल, और तेल गर्म हो गया है तो फिर इसमें चम्मच से ही मैं डालूँगी, अच्छे से डल जा रहा था चम्मच से। तो यहाँ पे फटाफट से बनाऊँगी, ये बहुत ही अच्छा लगता है। बट जो मैंने मसाला इसमें डाला था ना, उसमें तो कुछ 19-20 हुआ था मुझे, या फिर मेरा पेट, जैसे मैंने खाना खाया था तो भरा हुआ था, तो इसके नाते मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। कभी कभी होता है ना, जब हमारा पेट ऑलरेडी फुल होता है तो हम कुछ और खाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, या फिर मन नहीं होता खाने का। मैंने थोड़ा खाया था बट उतना मुझे मज़ा नहीं आया, जैसे हमेशा मज़ा आता है ऐसे आलू चाप खाने में। इसको आलू चाप ही बोलते हैं बिहार में हम लोग, क्या टिक्की वाले पकौड़े या फिर टिक्की बोल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसको बनाने में भी खाने में भी बहुत अच्छा है। बट ये होता है ना कि कभी कभी ऐसा बनाती हूँ, चिप्स वाले ज़्यादा पकौड़े में बनाती हूँ, बट आलू बॉयल था तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, बनाने में क्या जाता है। वैसे खाना बनाने में मुझे आलस नहीं आता, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते, अगर मेरे ब्लॉग में खाना नहीं होता ना तो शायद मेरा ब्लॉग इनकम्प्लीट होता। तो ब्लॉग से जो है रिलेटेड है खाना, और खाने से रिलेटेड है मेरा ब्लॉग, तो दोनों साथ में चलता है, कंबाइन है। तो फिर इसको लेके चल रही हूँ मैं, देखिए कब तक क्या कंटेंट अलग चेंज होता है, फिर आगे ब्लॉग में पता चलेगा आपको। अभी हो गया शाम, खाना वाना खाने के बाद ना दादी बाबा आ गए थे लोग गांव से, मैं हॉस्पिटल से, मतलब टेस्ट वेस्ट करा के घर पे। और यहाँ आने के बाद अचानक से उनका प्लान बना कि आज हम लोग जाएंगे दूसरे वाले गाँव पर। तो दूध था और मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था, डाल दिया था जामन। एंड इसके बाद से ना दूध था तो थोड़ा चाय बना के दिया, ब्रेड दिया, रोटी सब्जी जो कि सुबह में मैंने जो खाना बनाया था लंच में वो किसी ने खाया नहीं था तो उसको पैक करके दे दिया। उसके बाद बर्तन धुली, झाड़ू लगाई और रेस्ट की हूँ। उसके बाद से अभी शाम का टाइम हो गया, अभी क्या बनाऊँगी मैं, भाई बहन हम ही तीन लोग हैं तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो इस ब्लॉग को जहाँ तक होगा कंटिन्यू करते हैं। एंड जब से मैंने ये फ्रॉक पहना हुआ ना, फ्रॉक बोले तो मतलब एक ड्रेस ही है फुल, तो तब से बोल रहा है ना पवन जी, बोल रहा है कि तुम ढोला ढोला लग रही हो, ढोला। तो एक गाना नहीं है कौन सा ढोला वाला गाना है, वही गा रहा है जब भी मुझे देख रहा है, वो लग रहा है ना तुम कह रहे तुम इतनी छोटी सी बच्ची लग रही हो ऐसे गुड़िया जैसे। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और जो भी होता है इस वीडियो में शेयर करते हैं। अच्छा, शाम में बोली तो कि ब्लॉग कंटिन्यू होगा, बट ब्लॉग ना कंटिन्यू हुआ ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं शावर लेके आ गई थी, यहाँ पे आई थी तो पवन जी पढ़ रहे थे अपना, तो पवन जी पढ़ने बैठे थे जब देखा कैमरा ऑन है, तो उसी कैमरे के चक्कर में इन्होंने थोड़ा कोम कर लिया और कुछ नोट डाउन कर रहे थे। यहाँ पे मैं सेव कट कर रही हूँ, मैं खाऊंगी सेव। अभी सुबह सुबह का टाइम था, 8:30 हो रहे थे, तो मैं सेव खाने के लिए बैठ गई। और ये दो दिन की वीडियो, मतलब कि कल रात में मैंने कंटिन्यू नहीं किया तो आज मॉर्निंग में कंटिन्यू किया है। बस यही एप्पल खाऊँगी एंड इसके बाद से थोड़ा सा मन होगा तो लाल चाय पी लूँगी, या फिर नहीं भी पीऊँगी कोई नहीं बात है, मैं हो जाता है ऐसे, मैं रह लेती हूँ बिना चाय के। तो यहाँ पे एप्पल खाने के लिए बैठी थी, यहाँ पवन जी कुछ लिख रहे थे। पवन जी एप्पल नहीं खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट हैं जो पवन जी नहीं खाते हैं, बस दो फ्रूट खाते हैं, या तो अंगूर नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, अनार, बाकी कोई फ्रूट नहीं खाते हैं। यहाँ फटाफट से मैं अपना ये फिनिश कर रही हूँ एंड मैं पानी पीऊँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी, फिर लंच बनाऊँगी। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं तक था, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, वहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा रील्स मैं अपलोड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ सिर्फ आप लोग को इंटरटेन करने के लिए, तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करिए अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे वीडियोस देखिएगा जो भी रील्स मैंने बनाया है या फिर मैं जो हमेशा बनाती हूँ वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ मैं ये अपना फिनिश करने के बाद एप्पल ना मैं चलूँगी फिर किचन में लंच बनाने, थोड़ा सा रेस्ट के बाद। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है नए ब्लॉग में, आई डोंट नो क्या होगा, बट कुछ तो होगा, कुछ है, लाइफ है, अप डाउन लगा रहता है तो कुछ होगा ही। तो चलिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय।